गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोगों का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों का क्वेरी आया है कि सर मुझे 4 और 6 का सॉल्यूशन चाहिए, तो आइए हम लोग क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन करते हैं। आइए सबसे पहले 4 से शुरू करते हैं। 4 जो है क्वेश्चन कह रहा है कि tan a equals cot b, tan a equals cot b, तो प्रूव दैट a plus b equals 90 degree। यह आपको आपको दिया है कि tan equals cot b दिया हुआ है, आपको इतना प्रूव करना है। तो आइए सॉल्यूशन में हम चलते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। b है, हम लोगों के पास है क्या क्या दिया है क्वेश्चन। tan a equals cot b, चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे tan a, और कंप्लीमेंट्री जो फॉर्मूला है वो cot का जो है tan के टर्म में लिखा जाता है, cot का क्या होता है tan के टर्म में लिखा जाता है। तो cot थीटा इक्वल्स क्या हो जाता है tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे जो है वो कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ना। तो यहाँ पे भी b है, इसको लिखा लिख सकते हैं tan 90 माइनस, इसके तरफ से जो आता है वो एंगल यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इतना हम लोगों ने समझे। अगर एक बात आप बताइए, ध्यान देंगे टेन का जो वैल्यू है किसी एंगल के लिए, टेन का वैल्यू है किसी एंगल ए के लिए, और टेन का ही कोई एंगल जो है 90 माइनस बी है, और दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब है कि यह बी वेरिएबल में है या बी वेरिएबल में, इसका मतलब है कि दोनों का जो वैल्यू है सेम होगा। जब दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा तब क्या करेंगे, उसका ही टैन और फिर उस एंगल का टैन, दोनों का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है। आपने कभी देखा है कि कहीं पर भी टैन 45 का और टैन 30 का वैल्यू सेम हो जाए, टैन 60 और टैन 45 का वैल्यू सेम हो जाए, नहीं ना। अगर सेम होता है इसका मतलब है कि दोनों एंगल जो है न्यूमेरिकली क्या है सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक बात को समझना है, टैन ए इक्वल्स अगर टैन बी है तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इतना हम लोग कह सकते हैं। बस वही बात यहाँ पे करना है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, ए इक्वल्स 90 माइनस बी, यहाँ पे बगल में मेंशन कर दीजिए आप, टैन ए इक्वल्स टैन बी, इट मीन्स एंगल ए इक्वल्स एंगल बी, हो गया। बी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 90, यही हम लोगों को दिखाना है, प्रूफ करना है, तो यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज किया है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, फिर से देख लेते हैं। tan a equals cot b दिया हुआ है, प्रूफ करना है a plus b 90 डिग्री, यहाँ पे सप्लीमेंट्री फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, दिया हुआ इतना है tan a equal to cot b, और हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा है cot को जो है tan के टर्म में लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने किया है यहाँ पे है cot a equal to tan 90 माइनस का, cot को tan के टर्म में लिख दिया है, आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एबीसी 3 क्या है इंटीरियर एंगल्स दिए गए हैं, देन सो दैट, तब जाकर के हमको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स कॉस ए बाई टू, दैट मीन बी प्लस सी बाई टू जो है एंगल को डिनोट कर रहा है, कोई तो एंगल है जिसका बी और सी का कुछ वैल्यू होगा, उसको ऐड करके 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो न्यूमेरिकल कुछ हमको आएगा, तो यह यहाँ पे दिया हुआ है। तो साइन बी प्लस सी बाई टू मतलब इस एंगल का साइन वैल्यू और ए बाई टू एंगल का कॉस वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है, यह हमको इसमें क्या करना है दिखाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पे दिया गया है कि ए बी सी इंटीरियर एंगल्स है, तो आइए हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है,
sum of angles of triangle is 180 degree होता है. तो that's why इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a plus b plus c क्या हो जाएगा, 180 degree हो जाएगा. क्या है, angle sum property of triangle होता है. यहाँ पे clear है कि abc क्या है, triangles का angle है, हम लोगों ने 180 degree कर लिए. थोड़ा सा question की तरफ ध्यान करते हैं. यहाँ पे b plus c को एक तरफ रखा गया और a को दूसरे तरफ रखा गया, तो हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पे b plus c को एक तरफ रख लेते हैं और a को दूसरे तरफ ले जाते हैं. फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 इधर भी है, 2 क्या है, इधर भी है. तो 2 आएगा कैसे, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे. और यही इक्वेशन का रूल है, आपको पता है किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ आप सेम नंबर्स को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है. तो हम कर सकते हैं डिवाइडिंग both the sides by 2 digit. It's okay. तो आइए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं b plus c by 2, यहाँ 180 by 2 minus a by 2, that equals 90 minus a by 2. Okay. अब आइए ध्यान देंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन इधर आना है और इधर कॉस आना है और यहाँ 90 माइनस दिया हुआ है. एक बात जो थोड़ा सा दिमाग में हमको समझना है, इससे रिलेटेड जो बातों को हमने पढ़ा है, थोड़ा सा हम लोग को कैलकुलेटिव होना पड़ता है. यहाँ साइन बी प्लस सी बाई टू, अगर यहाँ पे हम साइन ले लेते हैं और यहाँ 90 माइनस ए बाई टू है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला में कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ एक बात एकदम स्ट्राइक हमको करना चाहिए कि अगर हम साइन दोनों तरफ अगर ले लेते हैं तो यह कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, या मुझे साइन चाहिए तो साइन हो ही जाएगा. तो ऐसा करते हैं क्या, हम लोग दोनों तरफ साइन को पुट करते हैं, साइन को लगाते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ द साइड्स, क्या करें यहाँ पे, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स साइन 90 माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस ए बाई टू, या यहां हम लोग करें साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स साइन 90 माइनस थीटा, तो होता है कॉस, एंगल की जगह क्या ए बाई टू, कॉस ए बाई टू हो गया. यहाँ फिर हम लोगों ने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, सप्लीमेंट्री एंगल साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स कॉस बाई टू, ये हम लोगों को दिखाना है, शो करना है, शो दैट करने के दिखाना है हमें. तो यह एक्सरसाइज 8.2 का, सॉरी 8.3 का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 और 6 मैंने सॉल्व किया है और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया. अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर आप उसका प्रॉब्लम्स बनाएंगे. आइए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम यू ऑल इन मैथमेटिक्स क्लास. मेरे प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सबका. अभी हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा हम लोगों के सामने प्रूफ करने के बाद, और उस रिजल्ट्स को हम लोग क्वेश्चंस बनाने के दौरान यूज करेंगे. तो आइए देखते हैं कि वो रिजल्ट कैसे हम लोग लाते हैं. तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं. एक ट्रायंगल है हम लोगों के पास, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी इज अ राइट angled triangle in which angle B 90 degree, angle B क्या है 90 degree, and angle A less than 90 degree. A और C क्या है, acute angle से हम लोगों का है. तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं. Now हम लोगों ने पाइथागोरस रूल आपको बताया है,
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का सामने वाला जो साइड होता है वह हाइपोटेनस होता है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या हो गया यहाँ पे, एसी हो गया। और जब हम एंगल ए की बात करेंगे, एंगल ए की बात करेंगे तो सी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और बेस जो है बी क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा फॉर एंगल, फॉर एंगल ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस रूल क्या जानते हैं कि बाकी जो दो साइड्स का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल्स क्या हो सकता है, एसी का स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस रूल, बाय पाइथागोरस रूल होता है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, एसी है, हम लोग दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, तो आइए डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय एसी स्क्वायर डिग्री। ओके, तो क्या करें हम लोग यहाँ पे एबी स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर लें, एबी बाय एसी का स्क्वायर कर लें, यहाँ पर बीसी बाय एसी का स्क्वायर कर लें, फिर स्क्वायर कैलकुलेट करके वन आ जाएगा। अब आइए आप देखेंगे एंगल ए के लिए एबी क्या है, एबी क्या है, बेस है, एबी क्या है, बेस है, और एसी क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस बाय, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं बी बाय एच का स्क्वायर। यहाँ पे एंगल ए के लिए बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको पी हो जाएगा, और एसी क्या है, हाइपोटेनस, बी बाय एच का स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया, वन आ गया। बी बाय एच जो है क्या है, देख रहे हैं बी बाय एच किसको बोलते हैं, कॉस को बोलते हैं, कॉस स्क्वायर, और किस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए, यहाँ पे एंगल ए दे देंगे। पी बाई एच क्या है, साइन के लिए होता है, साइन, और किस एंगल को डिस्कस किया हम लोगों ने, ए को, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस वन हो गया। इसको जब हम एकदम सीधा करके लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स वन, तो एक आइडेंटिटी आ गई हम लोगों को, एक फॉर्मूला आ गया जिसको हम लोग क्वेश्चन बनाने में क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक बात जो मुझे यहाँ पे बतानी है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस को समझना है, साइन स्क्वायर ए और साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम ही होता है। यहाँ ए पे स्क्वायर इससे नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे एंगल का स्क्वायर समझ दिया जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है, इसलिए पहले यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया जाता है। अगर ऐसे आपको लिखने का मन नहीं है, एज ए होल स्क्वायर आपको देना पड़ेगा, तो यही होता है। इसका मतलब ये होता है साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है ये साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये हम लोगों को क्या हुआ, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोगों को आ गया। यहाँ से एक फॉर्मूला और आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। फिर यहाँ से अगर आपको कॉस स्क्वायर का निकालना हो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। एक फॉर्मूला से आप क्या कर रहे हैं, तीन फॉर्मूला आपका निकल पा रहा है, तो यह हो गया। इसी तरह से बाकी भी फॉर्मूला है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर वहां पे ऐसे ही है, ये बीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी 90 डिग्री है, बाकी जो दो एंगल्स एक्यूट एंगल है, परपेंडिकुलर बीसी है, बेस एबी है, और हाइपोटेनस एसी, ये सब आपको पता ही है, और एबी स्क्वायर इक्वल्स बीसी स्क्वायर इक्वल्स एसी स्क्वायर हो जाएगा। इसे पिछले वाले क्या कहते हैं आइडेंटिटी को निकालने के लिए हम लोगों ने एसी से डिवाइड किया था, आप बाकी किसी से भी कर सकते हैं, दो साइड और भी है, चाहे बीसी है, हम लोग करेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय बीसी स्क्वायर, ठीक है, बीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर बाय बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बाय बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बाय बीसी स्क्वायर, हो गया। अब आइए इसको थोड़ा सा और क्लियर हम लोग कर लें, एबी बाय बीसी का होल स्क्वायर, यह कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ गया, और एसी बाय बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, AB, AB by
बी सी एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ए बी क्या है बेस है और वह क्या है परपेंडिकुलर है यानी कि बी बाई पी का स्क्वायर। यहाँ क्या देख रहे हैं प्लस वन, ए सी क्या है हाइपोटेनस, बी सी क्या है एंगल ए के लिए बी सी क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आइए ध्यान देंगे बी बाई पी क्या होता है कॉट होता है कॉट स्क्वायर, किस एंगल को डिस्कस किया है हम लोगों ने ए को किया है जब ए डालेंगे प्लस वन एच बाई पी क्या होता है cos है तो cos स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी या हम लोगों को आ गए हैं यहाँ से, अब क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर ए का निकालना हो cos स्क्वायर ए माइनस वन आप कर सकते हैं क्या, इसमें आपको cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं वन कर सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी या हम लोगों का हो गया, एक आइडेंटिटी यह हम लोगों का हो गया। तो एक बार सबसे पहले हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया एसी स्क्वायर से, साइन और कॉस में एक रिलेशन आया। जब उसके बाद हम लोगों ने बीसी से किया तो कॉट और कॉसेक में एक रिलेशन आया। अब उसके बाद जो है क्या करेंगे हम लोग एबी से करेंगे तो सेक और टैन में एक रिलेशन आएगा। तो आइए फिर उसको करते हैं, आइए फिर आइए हम लोग फिर क्या करते हैं यहाँ तक वही है AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर। अब अभी तक हम लोगों ने एक बार AC से स्क्वायर से डिवाइड किया फिर BC स्क्वायर से डिवाइड किया, इस बार किससे करना है AB से करना है डिवाइड। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय AB स्क्वायर ठीक है ओके। जब हम लोग क्या करेंगे AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे AC क्या है हाइपोटेनस है, AB क्या है बेस है हो गया। और भाई P by B क्या होता है tan होता है तो tan स्क्वायर और एंगल किस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं हम A को A हो जाएगा। H by B क्या होता है sec होता है sec स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट हम लोगों का यह आ गया। यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए tan स्क्वायर A चाहिए तो sec स्क्वायर A माइनस वन हो जाएगा है ना। फिर उसके बाद आपको sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यह हम लोगों को तीन डिफरेंट आइडेंटिटीज मिला है, इस तीन हर एक आइडेंटिटी से दो तीन फॉर्मूला आपके सामने है। तो यह हमारा कुछ आइडेंटिटीज हो गया। अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जिसकी जरूरत पड़ सकती है आपको उसको हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं जिस पर क्वेश्चन में आएंगे। बहुत सारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैक्सिमम रिजल्ट्स को लगभग यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है और इन्हीं सारे रिजल्ट्स को यूज करके आप एक्साइड 8.4 बनाएंगे। और इसमें जो एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो समझना है वह यह है कि यह पूरा जो है वह थीटा जो है वह मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 90 डिग्री के लिए ही अप्लीकेबल है। 90 डिग्री से ज्यादा के लिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है और 0 डिग्री से नीचे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यह जितना भी फॉर्मूला है वह कंपल्सन है कि यह 0 और 90 डिग्री के लिए हर हाल में एप्लीकेबल होगा। तो यह हम लोगों को पहले भी मैंने आपको कहा है कि हम लोग एक्यूट एंगल और राइट एंगल तक को पढ़ना है। इसमें यह पूरा फॉर्मूला है जो एप्लीकेबल ओनली फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह सारे रिजल्ट्स है जिसकी सहायता से आप एक्सरसाइज 8.4 बना पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया जाएगा। एक बात और जो यहाँ पे ध्यान देना है, इस क्वेश्चन 8.4 बनाने के दौरान आप लोगों को कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कहीं कहीं की जरूरत पड़ती है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, दैट टाइप ऑफ जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसको याद रखिए। कहीं कहीं इसकी यूटिलिटी यहाँ पे होती है, जब तक याद नहीं होगा आप नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से जितनी बातों को बताया गया उस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेंगे
जो वैल्यूज बताया गया था आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसको भी याद कर लेना है, मैंने टेबल में बहुत अच्छे से समझाया था। तो जितनी भी बेसिक बातें थी जिसको बताना था आपको सॉल्व करने के दौरान, वो सब लगभग कही जा चुकी है, बताई जा चुकी है। अब आपको करना क्या है कि उन सारी बातों को बहुत अच्छे से मेमोराइज करके फिर एक्सरसाइज में आना है, और हम लोग कल से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।